ये बाप का भी खास दोस्त है। लास्ट 50 इयर्स वी नो ईच अदर, हम लोग रतन भाई हम लोग भाव बोलते रहे हैं, 50 साल से ज्यादा की दोस्ती है मेरी, मेरी दोस्ती है। अच्छा, 50 टुगेदर मोर देन 55 इयर्स, रेस कोर्स में जाना है, किधर भी घूमना फिरना, एवरीथिंग टुगेदर वी वर गुड। देखो आज ही मैं साहब मेरा बाप है, मुझे आज मैं जिंदा हूँ उनकी वजह से जिंदा, क्यों मैं बदमाश था, जो भी था जो भी था, मुझे इंसान बनाने वाले वो, अब समझे कि नहीं, वो डॉन डॉन नहीं था जो बोलने वाले की ऐसी की तैसी, वो बिजनेसमैन था, अच्छा आदमी था, ईमानदारी था, अच्छा आदमी मुसलमान में पैदा होना मुश्किल है, वो देने वाला था, किसके लेने वाला नहीं था, समझे ना। आप जो बातें कर रहे हैं ना गलत है, क्यों, वो मुसलमान है, मैं कि ब्राह्मण हूँ, मुझे इतने नज़ीक रखने की क्या जरूरत, क्या था है? मुझे हर लपड़ा में करता था, मारा मारी करता था, मारता था, पीटता था, अंदर जाता था, बाहर आता था, जज लोग को आके सुंदर को छोड़ दिया, ऐसा दिन आता, मैं किधर किधर किया। अभी सुनो ये जो है ना आज होम मिनिस्टर कौन है, वो क्या सही है क्या, कौन है उसका नाम क्या, अमित शाह, वो कितने बार अंदर था मालूम है, कितने मर्डर किया मुसलमान को, कितने लोग मारा मालूम है, मरवाया, वो इन देश का अपने हिंदुस्तान का क्या बोलता है वो मिनिस्टर, शर्म नहीं आता पब्लिक को, शर्म करना चाहिए। बाप वो आदमी नहीं था, बिजनेसमैन था, अच्छा आदमी था, जात बात में नहीं जाता था, साल में 2 नमाज पढ़ता था, एक रमजान है वो पकड़ी, खाने के टाइम बिस्मिल्लाह बोल के खाता था, मैं भी रोजा रखता था, बाप के साथ बैठता था, जो भी है बाप के जैसा बोलता वैसा सुनता था। बाप मुझे सामने ने वो बोलता था गधा, कभी कभी पूछता था बाप क्यों गधा गधा बोलता, लात कौन मारता है, मैं चुप हो जाता, मेरे शादी करा रहा है सिल्क पहन के, सिल्क पहन के, करीम लाला पूछ रहे तुम सिल्क पहना, बोला मेरा बेटे की शादी है, अब समझा, वो फोटो भी तुम देख लो, समझा, और मेरा बेटा भी पैदा हुआ जिस दिन बाजी हाजी मस्तान गुजरा उसी दिन 25 तारीख की शनिवार के दिन मेरा बेटा पैदा हुआ, आज वो बेटे की देखे आज 12-13 साल हुआ, मेरा साला उधर का माँ शाना है उल्लास नगर का दीपक सोंडे, मेरी बीवी कौन है उसका बहन है, एक ग्लास पानी तक नहीं पिया हूँ, बाप ने बोला शादी कर शादी किया, अब समझे ना, वो पुरानी कहानी बोलना अच्छा नहीं है, जो भी डोन डान बोलता ना बेकार है, वो बिजनेसमैन है, अच्छा इंसान है, उसके पास जात पात नहीं था। जब रमजान का टाइम बैठता ना हिंदू मुसलमान जो भी आए, दिलीप कुमार भी बैठता, दिलीप कुमार बहुत चैप्टर है, यूसुफ खान है, बाबा गुजरा तो मैयत में नहीं आया, पीने के लिए आता था। हाजी मस्तान जी का बॉलीवुड के साथ एक अच्छा रिलेशन, चाहे फिर अमिताभ बच्चन जी की बात की जाए, ऐसे बहुत सारे स्टार कास्ट के साथ, तो उनकी वर्सी पे कभी किसी का फोन आता है या फिर कोई ऐसे नजर आता है उनकी वर्सी पे, कोई पहुंचता है स्टार कास्ट? एक छोटी सी बात बोलो मैडम, बुरा मत मानना, जितने फिल्म एक्टर है, मैं मेरे मुंह में गंदा आता है, चैप्टर है, एक्ट्रेस बोलो एक्टर बोलो, अमिताभ बच्चन चमका दिलीप कुमार का नाम दिए अपने, क्या बोलते हैं ये दीवार पिक्चर से पूरा बाप का स्टाइल, ये क्या वो स्टाइल से ऊपर चमका, कभी बाबा गुजरने के बाद आया क्या है लंबू उस टाइम, मैं जब मैं सच्ची बोलूँ वो टाइम आने लगता है, मैं डोमेस्टिक एयरपोर्ट में बैठ कर दारू पीता था, इसको निकलता था ये लंबू बोलता था हाँ भाई बोल के आता, अरे कम से कम तो बाप ने तो बाप के नाम से तू चमका, कम से कम मैयत में तो आना चाहिए, क्यों नहीं, ये संजीव कुमार था बाप का अच्छा दोस्त था, बाकी एक्ट्रेस एक्ट्रेस सब जितने धर्मेंद्र बोले किसको बोले, फिरोज खान बोले, संजय खान बाप का अच्छा संबंध है, कुछ लोग अच्छे हैं कुछ लोग बेकार है, बोलना अच्छा नहीं है। मेरा नाम है सोमा सुंदरम चंद्रशेखर, बुलाते सुंदर शेखर, बाप ने नाम रखा सुलेमान मिर्जा, समझा, वही भी ये पार्टी है बाप का, क्या बोलता है पहले दलित मुस्लिम सुरक्षा महासंघ थी, अभी क्यों दलित ने भी साथ नहीं दिया, मुसलमान भी साथ नहीं दिया, अभी माइनॉरिटी सुरक्षा महासंघ बनाया, क्यों रामदास अठोले बाहर खड़े रहता था, आज मिनिस्टर है ना जोगेंद्र खावाड़े, चाल चप्पल हम देता था, बाप का रूम में बाथरूम जाके आवे ना जाने के हमको इतने होते, मैं बाप को बोलता बाप क्या कर, अरे जाने दे रहे, ऐसा होता था, ठीक है ना। अभी मैं आस्ते आने वाले चुनाव में सब आजाद खान ने पूरी लाइन निकालेगा, क्या करना, वो आज लीडर वाइस प्रेसिडेंट है, मस्तान कांग्रेस बनाऊंगा, मस्तान कांग्रेस, मस्तान कांग्रेस,
हम मर जाएंगे, सब मर जाएंगे, नाम रहेगा। अभी देखो कोई आदमी अपने बाप का यादगार करता है क्या? 25 साल हुआ, समझेंगे नहीं, मेरे बाप का नाम है, क्यों? उसकी वजह से मैं जिंदा हूँ। ये मरते थे, मेरा बेटा भी जिस दिन बाबा गुजरा उसी दिन उसी डेट पे पैदा होना, वो भी मेरे शादी करा है सिल्क पहन के, वो गाड़ी में, अरे तू सिल्क पहना, बोला मेरे बेटे की शादी। बाप का जो भी है मेरे दिल के अंदर बाप बाप कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। ये कार्यक्रम तो हर साल होता है, बाबा को गुजर के 25 साल हो गए, तो आज 25वीं बरसी है उनकी, और हर साल की तरह इस साल भी कई जगहों से कार्य करते हैं, सब लोग आए हैं उनके चाहने वाले, उनके लिए फातिहा दरूद करने, श्रद्धांजलि अर्पित करने, तो बहुत सारे लोग आए हैं, उनको खाना भी किया है, सुबह कब्रिस्तान जाके आए सभी कार्यकर्ता, वहाँ फूल चादर चढ़ाए गए, वहाँ भी गरीबों को खाना खिलाया गया। हाजी मस्तान एक ऐसा नाम है जो हर गरीबों के लिए, हर जरूरतमंद लोगों के लिए हमेशा ही सहायता करते हैं, तो मुनीरा जी जिस तरह से इस पार्टी के साथ जुड़ी हैं, आप किस तरह देखती हैं महिलाओं के लिए, आप सोचती हैं और क्या कुछ सोचती हैं इस समाज के और इस देश के अच्छाई के लिए? जी उन्होंने तो बहुत काम करे, उनकी तारीफ में तो जितना कहा जाए उतना कम है, उनके जैसा नेता ना कभी पैदा हुआ था, ना है, ना कभी होगा, उनके लेवल का, उनके बराबरी का काम तो नहीं हो सकता हमारे से, लेकिन हम उनके फुटस्टेप्स यानी उनके नक्शे कदम पर चल रहे हैं, जो उनका सपना अधूरा रह गया था उसको पूरा करने की मैं पूरी पूरी कोशिश कर रही हूँ दिलो जान से। अभी जिस तरह से अगर हम बात करें विधानसभा चुनाव महाराष्ट्र में होने जा रहा है, तो इस चुनाव में इस पार्टी किस तरह से नींव रखेगी, किस तरह से चुनाव की तैयारी, और मुनीरा जी किस तरह से तैयार है महिलाओं को लेकर? जी तैयारी तो बहुत अच्छी चल रही है, और हम काफ़ी सारे कैंडिडेट सभी उतारने वाले हैं विधानसभा में। पिछले लोकसभा इलेक्शंस में तो हमने वंचित बहुजन आघाड़ी को सपोर्ट किया था, बाला साहेब की पार्टी को, और लेकिन इस बार हम देखते हैं आगे कैसा क्या प्लान रहेगा, ऐसी हमारी तो पूरी तैयारी है विधानसभा में उतरने की। तो महिलाओं को लेकर कुछ टारगेट है, कितनी महिलाएं इस चुनाव में आपकी उतारने की है, क्योंकि आप महिलाओं की हमेशा ही लड़ाई लड़ती हैं? बिल्कुल, मैं तो खुला बोलती हूँ कि जितनी महिलाएं चाहें वो आ सकती हैं, मैं टिकट दूंगी उनको, मेरे से वो संपर्क करें।